ग्रीन कट चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में इस घंटी को भी बजा दे ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन इकराम, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो में एक छोटी सी बच्ची है, इसको एक बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से इनका पूरा जिस्म था वो खींच जाता था। तो उनके जो वालिद थे उन्होंने मानविकी हॉस्पिटल में दिखाया बच्ची को। फिर उन्होंने सोचा कि एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखाते हैं, तो वो जो कच्छ का कैपिटल है भुज में, तो भुज में एक अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने गए। जब दिखा के लौटे तो उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना एक बार हम यासिन साहब बापू मस्कलंदर के पास आए और हज़रत यासिन साहब बापू को दिखाए। तो हज़रत यासिन साहब बापू को जब इन्होंने अपनी बच्ची को दिखाया है तो बापू ने इनको दुआ दी और कहा कि अब इसको दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस उनको यकीन हो गया कि एक अल्लाह के वली ने बोल दिया है कि इनको दवा की ज़रूरत नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला ऐसा ही होगा। तो फिर इस बच्ची को लेकर भुज में दिखाने गए। जब भुज में दिखाने गए तो डॉक्टर ने इनको कहा कि बच्ची एकदम नॉर्मल है और इसको दवा खिलाने की, दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो माशाल्लाह देखो, अल्लाह के वली की ज़ुबान में वो तासीर होती है कि अगर इनके ज़ुबान से कोई बात निकल जाए तो अल्लाह ताला वो कर देता है, क्योंकि ये अल्लाह के मकबूल बंदे होते हैं और अल्लाह के ये एक बड़े वली होते हैं। तो दोस्तों, आज जो बापू की हमने करामत देखी, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।